नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झांसी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को भेंट किया। ज्ञापन में कहा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की ओर आकर्षित कराते हुए निवेदन के साथ कहना है कि दिनांक 30 जून 2020 को आप मानेवर जी के आगमन पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किए जा रहे अवैध खनन का वीडियो और फोटो साक्ष्य सहित पेनड्राइव में आप मानेवर जी सौंपने के लिए भेंट किए जाने की अनुमति चाहिए थी। आप मानेवर जी से भेंट अनुमति की जगह मुझे हाउस अरेस्ट कर अवैध खनन के साक्ष्य दिए जाने से रोका गया। ज्ञापन में कहा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में खनिजों का आकूत भंडार है, जिसका अवैध खनन चौकी नियुक्त पुलिस कर्मियों, खनन अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने पर भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति सरकार को हो सकती है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि खनन अधिकारी और चौकी इंचार्ज के क्षेत्र में अवैध खनन पकड़े जाए, उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए, साथ ही विभिन्न कठोर कार्रवाई कराई जाए जिनके संरक्षण में अवैध खनन फल फूल रहा है। राज्य सरकार का राजस्व बढ़े स्वयं ट्रैक्टर ट्रॉली से घाटों से बालू और मुरम ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए। बालू मुरम को अपनी निजी ट्रैक्टर ट्रॉलियों बैलगाड़ियों से ले जाने के लिए राजस्व की धनराशि घाट पर ही रसीद काट कर राजस्व वसूल करवा लिया जाए। आज ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है। लगातार मुख्यमंत्री जी का मंडल आयुक्त का और जिलाधिकारी जी की विज्ञप्तियां आती रहती हैं कि अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तेजी से बुंदेलखंड में अवैध खनन हो रहा है इसमें कोई कार्रवाई हमें होती नजर नहीं आ रही है। तो हमारी आज ये मांग थी कि जिस खनन अधिकारी के क्षेत्र में और जिस चौकी क्षेत्र में अवैध खनन पकड़ा जाए उनके खिलाफ FIR की जाए, और अगर हम बुंदेलखंड वासियों को अपना निजी आवास बनाने के लिए मुरम की या बालू की आवश्यकता है तो 1 MM 11 की जो रसीद कटती है वो आप हमसे कटवा लो, हमारी ट्रैक्टर है, हमारी ट्रॉली है, हमें भरने की इजाजत दे दी। आज ये जो हमारे बुंदेलखंड की छाती को छलनी करने का कार्य किया जा रहा है, लगातार अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे पीछे जो जिलाधिकारी जी का ऑफिस है, इनकी विज्ञप्तियां छपती रहती हैं कि अवैध निर्माण पर, अवैध खनन पर सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर वीडियो डले हुए हैं किस तरह से अवैध खनन हो रहा है। इस अवैध खनन को रोकना इसलिए आवश्यक है कि बुंदेलखंड की जो हमारी छाती है इसको छलनी होने से अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी तरस जाएगी पानी को, आने वाली पीढ़ी को लगातार सूखे का ही सामना करना पड़ेगा।